काम को, किसी भी कार्य को लगातार काफी लंबे समय से, दीर्घ काल से। कैसे? दीर्घ काल से। दीर्घ काल का मतलब होता है लंबे समय से। अगर कोई भी कार्य कोई व्यक्ति दीर्घ काल से करता आ रहा है, लंबे समय से करता आ रहा है, और नियमित रूप से कर रहा है, कंटिन्यूटी कर रहा है उसके, नियमित रूप से लगातार, नियमित रूप से करता है, और हम उसी काम को प्राय क्या कहते हैं, प्रथा या रूढ़ी कहते हैं, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, रूढ़ी कहते हैं। इस काम को करने के हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आदि, आदत हो जाती है। ऐसा करते करते हम इस काम को, हमने स्टार्ट किया आज से 100 वर्ष पहले कोई कार्य शुरू किया, और उसको करते 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 आज तक हम उसको करते ही आ रहे हैं, यानी वो कार्य करने की हमारे को आदत होगी। अब वो कार्य हमारे व्यवहार में आ चुका है, लोग उसको मानते हैं, लोग उसका पालन करते हैं, कभी उसका कोई ब्रेक नहीं हुआ, कभी उसको छोड़ा नहीं, जब से चला है तब से लेकर आज तक हम उसको निरंतर अपनाते आ रहे हैं। तो इस कार्य को, इस आदत को क्या कहते हैं, इस आदत को प्रथा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रथा या रूढ़ी कहते हैं, प्रथा या रूढ़ी। अब इस कार्य के संपर्क में जो जो लोग आएंगे, भाई शुरू तो किया किसी ए नामक व्यक्ति ने, और धीरे धीरे इसके संपर्क में बी भी आया, सी भी आया, डी भी आया, यानी जो जो लोग इसके संपर्क में आते गए, उन लोगों ने भी क्या करना शुरू कर दिया, ऐसा ही कार्य करना शुरू कर दिया। ये चीज उनके भी व्यवहार में आ गई, उनके भी आचरण में आ गई। तो ऐसी चीजें धीरे धीरे जो जन सामान्य की पहुंच तक हो गई, उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ी या प्रथा कहते हैं। यदि ऐसे, जरूरी नहीं कि सभी लोग इसको माने, कुछ लोगों तक भी सीमित हो सकती है, और ऐसी बहुसंख्या लोगों तक भी अगर पहुंच जाए तो वो भी उसका अपना सकते हैं, वो भी उसका अनुसरण कर सकते हैं। तो प्रथा के लिए जरूरी नहीं है कि सारे लोग उसको माने, हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष ही उसको माने, हो सकता है कोई समुदाय विशेष उसको माने, हो सकता है कोई क्षेत्र के लोग उसको माने, हो सकता है किसी नगर के लोग उसको माने, बाकी लोग नहीं मानते हो, भी हो सकता है दो चार लोग एक परिवार विशेष मानता उसको, तो परिवार विशेष के लिए भी प्रथा हो सकती है। अगर कोई समुदाय विशेष के लोग मानते तो उनके लिए भी वो कार्य प्रथा हो सकती है। अगर एक क्षेत्र विशेष के लोग मानते ऐसे कार्य को, तो उनके लिए वो प्रथा हो सकती है। अगर एक नगर, एक पूरा गांव, शहर अगर उसको मानता है, तो उनके लिए भी प्रथा हो सकती है। और पूरा राष्ट्र अगर इस चीज को मानता है, तो राष्ट्र के लिए भी क्या हो सकती है, प्रथा हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि कोई चीज जिसको सभी लोग माने वही प्रथा होगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जो जो लोग मानते हैं उन उनके लिए वो प्रथा है, उन उनके लिए क्या है, वो रूढ़ी है। और ऐसी प्रथा का, मान लो एक परिवार के लोग मान ले, एक कोई कार्य पर्टिकुलर किसी परिवार विशेष में किया जाता है, बाकी लोग उसको मानते नहीं, तो परिवार विशेष के लोग उस कार्य को करते आ रहे हैं ना, काफी वर्षों से करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, तो उनके लिए वो प्रथा हो सकती है, बाकियों के लिए वो प्रथा नहीं हो सकती। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग उसका अनुसरण करें, लेकिन जो लोग अनुसरण करते हैं उनके लिए वो प्रथा का रूप हो सकता है। किसी समुदाय विशेष या प्रथा को न्यायालय स्वीकार या मान्यता करे, यह भी जरूरी नहीं है। किसी पर्टिकुलर परिवार विशेष की प्रथा को कोर्ट स्वीकार करे, यह भी जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि प्रथा को न्यायालय स्वीकार करे, कोई जरूरी नहीं प्रथा को न्यायालय स्वीकार करे, पर फिर भी प्रथा तो प्रथा है। जरूरी नहीं कि न्यायालय उसको माने या नहीं माने, हो सकता है वो परिवार विशेष ही मानता है, बाकी लोग नहीं मानते, तो कोर्ट उनके लिए अलाउ नहीं कर सकती, कोर्ट दूसरों को बाउंड नहीं कर सकती। जो लोग इन चीजों का अनुसरण करते हैं उन्हीं के लिए वो प्रथा होगी, दूसरों के लिए नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है कि जो पाश्चात्य देश है, पाश्चात्य देश यानी अंग्रेजों के जो देश है, पाश्चात्य कंट्री, उनमें क्या होता है, जब कोई शव यात्रा लेके जाते हैं, शव यात्रा, तो उस शव यात्रा में वो क्या करते हैं, काले वस्त्र पहनते हैं, काले वस्त्र पहनते हैं, शव यात्रा में काले कपड़े पहनकर जाते हैं, उनके लिए ये प्रथा है, क्योंकि वहां जब से ऐसा शुरू है उसके बाद लगातार ऐसे ही लोग क्या करते हैं, शव यात्रा में काले वस्त्र पहनकर जाते हैं। तो ये काले वस्त्र जो पहनकर जा रहे हैं उनके लिए क्या है, ये प्रथा है। हम तो नहीं पहन के जाते कभी ऐसा, हमारे यहाँ प्रथा है नहीं, पर जिनके है,
जो इसका अनुसरण करते हैं उनके लिए वो क्या है, प्रथा है। बाकी लोग अगर नहीं पहने, या लोग अगर कोई शव यात्रा में काले वस्त्र उनके भी लोग अगर पहन के न जाए तो उनको दंडित नहीं किया जाता, उनको दंडित नहीं किया जाता, कानूनी रूप से उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। जो लोग इसका स्वेच्छा से अनुसरण करते हैं उनके लिए प्रथा है, लेकिन कानून उसको बाउंड नहीं कर सकता। प्रथा के हिसाब से जिस जो जो प्रथा मानता है वो लोग ये कह सकते हैं कि भाई इसका पालन करें, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका पालन करें। जिसको अच्छा लगता है वो पालन करे, जिसको अच्छा नहीं लगता वो ना पालन करे। ठीक है, हिंदुओं में भी एक प्रथा है, हिंदुओं में भी एक प्रथा है कि अगर हिंदुओं में किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, किसी व्रत सदस्य की, तो उसके मृत्यु पर सिर का मुंडन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? मुंडन करवाया जाता है, यानी सिर के जो बाल है उनका मुंडन करवा दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है, करवाते भी है। इस मुंडन करवाने का अगर कोई मुंडन ना करवाए, कोई मुंडन ना करवाए परिवार का सदस्य, तो उसको ये नहीं है कि उसको दंडित कर दे, जरूरी नहीं दंडित करे, लेकिन प्रथा है ऐसी कि लोग उसको मानते आ रहे हैं, लोग स्वतः ही क्या करवा लेते हैं, मुंडन करवा लेते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछता नहीं कि भी क्यों करें मुंडन, क्या कारण है, कुछ नहीं पूछते। जैसे ही मृत्यु होती है मुंडन करवा लिया जाता है, अपने आप ही करवा लेते हैं। यानी ये चीज क्या है, ये हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में आ चुकी है, हमें इसकी आदत लग चुकी है, हम इसका उल्लंघन नहीं करना चाहते, लेकिन कानूनी रूप से किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये स्वेच्छा से की जाती है, स्वेच्छा से आदत बन जाती है, और इसी आदत को करते करते एक समय में ऐसा आता है जब ये प्रथा का रूप ले लेती है, रूढ़ी का रूप ग्रहण कर लेती है। कस्टम जो है वो अनेक प्रकार की हो सकती है। हम उन प्रथाओं का अध्ययन करेंगे जिन्हें न्यायालय मान्यता प्रदान करता है। ये प्रथाएं तो काफी हो सकती है, कई प्रकार की प्रथा, कुछ को न्यायालय बाउंड करता है, भाई अगर उस प्रथा का कोई उल्लंघन कर दे तो कोर्ट उसको बाउंड कर सकता है, लागू करवा सकता है। कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिनका उल्लंघन करने पर कोर्ट उनको मान्यता नहीं देती, कोर्ट उनको बाउंड नहीं कर सकता। तो केवल हम उन्हीं प्रथाओं की बात करेंगे, हम विधि मान्य प्रथा की बात करेंगे। कौन सी प्रथा की? विधि मान्य प्रथा की, यानी जिसको कानून के द्वारा मान्य किया गया है, स्वीकार किया गया है, हम ऐसी प्रथा का जिक्र यहाँ करेंगे। कौन सी प्रथा? विधि मान्य प्रथा या वैध प्रथा जिसको कहते हैं, या तो इसको वैध कर दे, वैध प्रथा या वैध रूढ़ी, या विधि मान्य प्रथा या विधि मान्य रूढ़ी। हम केवल इस ऐसी ही रूढ़ियों की, ऐसी प्रथाओं का जिक्र करेंगे जो विधि मान्य है, जिनको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, जिनका उल्लंघन करने पर न्यायालय क्या कर सकता है, उसको वैधता प्रदान कर सकता है, उसको दंडित कर सकता है। तो हम केवल उन्हीं प्रथाओं का जिक्र करेंगे जो विधि मान्य है। प्रथा तो कुछ भी हो सकती है, उसका उसको कानून बाउंड नहीं कर सकता, लेकिन हम केवल वही प्रथा देखेंगे जो विधि मान्य है। विधि मान्य प्रथा किसको कहेंगे, विधि मान्य प्रथा क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। रूढ़ी का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ द टर्म कस्टम। रूढ़ी का अर्थ क्या है, रूढ़ी का अर्थ सामान्यतः हम रूढ़ी का अर्थ क्या लेंगे, रूढ़ी का अर्थ है रूढ़ी का अर्थ क्या है, समान परिस्थितियों में मानव आचरण की एक रूपता, समान परिस्थितियों में मानव आचरण की एक रूपता को ही हम क्या कहते हैं, रूढ़ी या प्रथा कहते हैं। ये क्या कहता है, रूढ़ी का अर्थ क्या है, समान परिस्थितियों में, यानी उन लोगों में जिनकी परिस्थितियां समान है, असमान परिस्थिति वालों के लिए नहीं है, समान परिस्थिति वाले लोगों में जो मानव आचरण है, एक ही जैसे लोग रह रहे हैं और उन सब का जो आचरण है, मानव आचरण, वो एक जैसा है, तो उनमें अगर एक रूपता पाई जाती है ऐसे मानव आचरण में, मानव व्यवहार में, तो इस एक रूपता को क्या कहा जाता है, रूढ़ी कहा जाता है। भाई मुंडन करवाते हैं, मान लो आपके गांव में कोई प्रथा है, आपके गांव में प्रथा है मुंडन की, हो सकता है दूसरे गांव में नहीं हो, तो आपके गांव में जितने भी लोग हैं उनमें तो एक रूपता ही है, समान परिस्थिति, यानी सब लोग एक जैसे हैं और उन सब का एक आचरण है, मानव आचरण है, और उस मानव आचरण में क्या पाई जाती है, एक रूपता यानी समानता पाई जाती है। तो ऐसे मानव आचरण की जो भी एक रूपता है समान परिस्थिति वाले लोगों में, उसी को ही क्या कहते हैं, रूढ़ी या प्रथा कहते हैं। यदि किसी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किसी परंपरा का स्वेच्छा से पालन किया जाता है, कोई समुदाय विशेष के लोग हैं, अगर उस समुदाय विशेष के लोगों द्वारा स्वेच्छा से
अपने इच्छा से अगर इसका पालन किया जाता है, स्वेच्छा से पालन किया जाता है, तो कालांतर में, कालांतर का मतलब बाद में, कालांतर में वही, कालांतर में वही क्या बन जाता है, वही आचरण रूढ़ि का रूप ग्रहण कर लेता है, वही आचरण क्या कर लेता है, रूढ़ि का रूप ग्रहण कर लेता है। भी किसी समुदाय विशेष में अपनी इच्छा से अगर कोई कार्य किया जा रहा है, उसका पालन किया जा रहा है, तो धीरे 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 करते 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 एक समय वो क्या हो जाता है, वही आसन किसका रूप ले लेता है, रूढ़ि का रूप ले लेता है। अगर आपने मान लो अब ये जो तलवार है, विवाह के अंदर तलवार लेके जाते हैं और वो जो क्या कहते हैं उसको, वो चीड़ी होती है ना, उसका क्या नाम कहते हैं उसको, तोरण, तोरण पे उस चीड़ी को ऐसे करते हैं, तलवार से करते हैं, या कटार होती है जो भी है। अब इसका लॉजिक क्या है, लेकिन हमें नहीं मालूम, जब किसी के परिवार में विवाह होगा वो तलवार तोरण जो भी होगी उससे उस चीड़ी को हटाया जाएगा। तो ये क्या है, प्रथा, ये प्रथा है, ऐसा हम स्वेच्छा से इसका पालन करें, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है हमारे साथ, कोई जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से पालन कर रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसा आचरण हम करते करते काफी वर्षों बाद वो किसका रूप ले लेता है, वो रूढ़ि का रूप ले लेता है, यानी ऐसी रूढ़ि बन जाती है, ऐसी प्रथा बन जाती है कि लोग उसका स्वेच्छा से पालन करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रूढ़ि कहेंगे। और ऐसी रूढ़ि अंत तो गतवा, यानी अंत में क्या ले लेती है, विधि का बल प्राप्त कर लेती है। ऐसी रूढ़ि क्या कर लेती है, अंत तो गतवा विधि का बल प्राप्त कर लेती है, यानी उसका वो ऐसी हो जाती है जैसे कानून का पालन करते हैं ना, ठीक वैसे ही ऐसी प्रथाओं का भी पालन किया जाने लगता है। धीरे धीरे ऐसा आचरण रूढ़ि का रूप लेता है, और जब रूढ़ि बन जाती है तब लास्ट में वो इतनी परिपक्व हो जाती है कि वो विधि का बल प्राप्त कर लेती है। विधि का बल का मतलब क्या है, एक तो होती है विधि और एक होता है विधि का बल। तो रूढ़ि क्या करती है, रूढ़ि विधि का बल प्राप्त कर लेती है। विधि नहीं है, कानून नहीं है रूढ़ि, प्रथा कानून नहीं है, लेकिन कानून की तरह ही ये क्या कर लेती है, बल प्राप्त कर लेती है। कानून तो नहीं है पर कानून की तरह ही इसका पालन किया जाता है। अब समाज में अगर कोई 200 लोग उसका आचरण कर रहे हैं और एक व्यक्ति अगर नहीं करे तो बाकी लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ना कि तू क्यों नहीं करता, तू इसका पालन कर, या तेरे को क्या दिक्कत है, हम सब करते आ रहे हैं, इतने सालों से हमारी परंपरा रही है, उसका निर्वहन करो। तो यानी वो विधि का बल प्राप्त कर लेती है, जिसको कानून भी क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। तो ऐसे प्रथाएं धीरे धीरे विधि का बल प्राप्त कर लेती है। विधि का बल प्राप्त करने का मतलब वो एज ए कानून, जैसे कानून लागू होता है वैसे ही इनको भी लागू किया जाता है। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हो ना, संविधान का जो आर्टिकल 13 है, संविधान का आर्टिकल 13 में यह बताया गया है, 13-2 में, कि विधि का क्या अर्थ है, 13-3 में है, 13-3 में विधि का अर्थ, यानी विधि का अर्थ क्या है, तो विधि के अंतर्गत प्रथा शामिल है। यहाँ बताया गया ना, विधि के अंतर्गत जो नियम, अधिसूचना, विनियम, प्रथा, रेगुलेशन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इसके अंतर्गत विधि का बल प्राप्त किए हुए है। तो विधि का अर्थ, विधि के अंतर्गत, विधि, विधि के अंतर्गत क्या है, प्रथा भी शामिल मानी गई है। आवाज आ रही है क्या, एक मिनट रिप्लाई करना, ये देख रहा हूँ ये कैसे होगी, इसमें तो आर्टिकल 13-3 में विधि के अंतर्गत प्रथा को भी शामिल किया गया है, यानी प्रथा भी क्या है, विधि के समान है। जैसे विधि को लागू किया जाता है वैसे ही प्रथा को भी लागू किया जा सकता है, पर कौन सी प्रथा को, जो विधि मान्य है, जो विधि मान्य रूढ़ी है उसी को ही लागू किया जा सकता है, दूसरी को लागू नहीं कर सकते। विधि में शक्ति प्राप्त होती है और विधि शक्ति प्राप्त कर लेती है। आदिम समुदाय में जो विधि थी वो रूढ़िजन्य विधि थी। जब आदिम समुदाय था, जब आदि मानव था, उस समय जो आदिम समुदाय था उसमें कौन सी थी, उस आदिम समुदाय में कौन सी विधियां थी, उस आदिम समुदाय में रूढ़िजन्य विधि थी। कौन सी, रूढ़िजन्य, यानी प्रथाएं ही क्या थी, वहां कानून का रूप लेती थी, प्रथाओं के द्वारा ही वहां के मामलों का निपटारा किया जाता था। तो आदिम समुदाय में रूढ़ियां ही क्या थी, रूढ़िजन्य विधियां थी, यानी प्रथाओं के अनुसार ही उनका निपटारा किया जाता था।
परिपाटियां समाज में धीरे धीरे व्यवस्था बदली, जब कानून नहीं थे, विधि निर्माण की पावर्स नहीं थी, स्टेट नहीं थे, इतना सिस्टम नहीं था, तब क्या होता था, जो परिपाटियां थी, ट्रेडिशंस थे, जो प्रथा थी, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, रूढ़ी कहा जाता है। वे परिपाटी चलती है ना, कोई ना कोई परिपाटी चल जाती है और वो परिपाटी बाद में क्या ले लेती है, प्रथा का रूप ग्रहण कर लेती है, और ये प्रथा ये परिपाटी क्या बन जाती है, कानून बन जाती है, यानी इनको कहते हैं रूढ़ी जन्य विधि, यानी रूढ़ियों के अनुसार ही विवादों का हल किया जाता था। अनुकरण का महत्वपूर्ण योगदान है प्रथा में, किसका सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान है प्रथा में तो अनुकरण का योगदान है, किसका, अनुकरण का, अनुकरण कह दो चाहे अनुसरण कह दो, एक ही बात है, फॉलो करना, किसका, फॉलो करना, अनुकरण करना। प्रथा कब वैलिड होगी, विधि मान्य कब होगी, जब लोग उसका स्वेच्छा से अनुसरण करें, लोग उसका अनुसरण करना बंद कर देंगे तो प्रथा नहीं होगी, खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, जब तक लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं तब तक वो क्या मानी जाएगी, प्रथा मानी जाएगी। तो अनुसरण है वो इसका महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। लोकमत की संतुष्टि, आदत या संवेदना या स्वेच्छ, आदत क्या होनी चाहिए, स्वेच्छा से हो और स्वेच्छा से ही लोग उसका पालन करें, तो ऐसी आदत क्या बन जाती है, लोकमत की संतुष्टि बन जाती है, यानी लोग उसको, लोग उससे सेटिस्फाई होते हैं, लोग उस आदतों से, उस मानव आचरण से संतुष्ट होते हैं, और वही आचरण जब लोकमत की संतुष्टि होगी, सारे लोग उसको मानने लग जाते तो प्रथा बन जाती है, तो वो क्या बन जाती है, प्रथा बन जाती है, एक रूपता उसमें आने से वो रूढ़ी का रूप ग्रहण कर लेती है। और जब ऐसी रूढ़ियों को न्यायालय स्वीकार कर लेता है तो वो क्या बन जाती है, विधान द्वारा अधिनियमित कर दिया जाता है, यानी ऐसी प्रथाओं को कानून के द्वारा कोडिफाइड करके उसको कानून बना दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, ऐसी प्रथाओं को क्या कर दिया जाता है, अधिनियमित कर दिया जाता है, अधिनियमित, विधान बना करके, अधिनियमित का मतलब कोडिफाइड, तो प्रथा है, प्रथा का कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन कर दिया गया, कोडिफिकेशन करते ही वो किसका रूप ले लेती है, विधि का रूप ले लेती है, कानून बन जाता है प्रथा। आप देखते हो ना, हिंदू विवाह के अंदर प्रथा है, शपथपदी है, शपथपदी है क्या, प्रथा ही तो है, सारे विवाह के अंदर कोई ये थोड़ी है शपथपदी चलना जरूरी है, केवल हिंदुओं में ही है, तो हिंदुओं में, हिंदू विधि में इस प्रथा को क्या कर दिया, प्रथा को कोडिफिकेशन कर दिया, इसका शपथपदी क्या कर दिया, कानून में अधिनियमित कर दिया गया, तब हिंदुओं में विवाह के समय शपथपदी चलना अनिवार्य है, बिना शपथपदी के विवाह कंप्लीट नहीं होता, जैसे ही शपथपदी चलते हैं विवाह कंप्लीट हो जाता है, तो अग्नि के समक्ष, अग्नि वेदिका के समक्ष शपथपदी करना जरूरी है हिंदू विवाह के लिए। लेकिन अगर कहीं, अगर कहीं ऐसी प्रथा है वहां अगर इसका नहीं किया जाता तो नहीं करें, प्रथा पर कानून प्रभावी नहीं होगा, प्रथा तो प्रथा ही है, प्रथा को कानून से भी सर्वोच्च माना जाता है, जहां प्रथा है वहां कानून भी पीछे हट जाता है, ठीक है। तो हिंदुओं के अधिकांश जो व्यवस्थाएं हैं उनको अब किस, हिंदुओं की जो ज्यादातर विधियां हैं वो किस पर आधारित है, इन्हीं प्रथाओं पर आधारित, पूरा हिंदू लोग, पूरा हिंदू लोग किस पर आधारित है, इन प्रथाओं पर, रूढ़ियों पर आधारित है, जिसको कोडिफाइड करके हिंदू विधि का रूप दे दिया गया है। प्रिवी काउंसिल ने कलेक्टर ऑफ मथुरा वर्सेज बोलू रामलिंगम 1868 का एक मामला है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि विधि, रूढ़ी विधि के लिखित पाठ से कहीं अधिक प्रभावकारी होती है। इसमें कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेज बोलू रामलिंगा के मामले में यह कहा, कोर्ट ने क्या कहा कि प्रथा, प्रथा विधि पर, प्रथा विधि पर क्या रखती है, अधिभावी रूप रखती है, यानी लिखित पाठ में चाहे कितने कानून हो, अगर वहां प्रथा है तो प्रथा ही विधि, प्रथा ही प्रभावी होगी, न कि कानून प्रभावी होगा। मुस्लिम और सुन्नी, मुस्लिम विधियों में, सुन्नी समुदाय में तलाक तथा दाय संबंधी जितने भी विधियां, वो सारी की सारी किस पर आधारित है, रूढ़ी पर आधारित, यानी तलाक के जितने भी जो जो कानून है वो सारे के सारे मुस्लिम विधि के अंदर सुन्नी समुदाय में प्रथाओं पर आधारित है, और जितने भी उत्तराधिकार को लेके है नियम वो सारे के सारे प्रथाओं पर आधारित है। इंग्लैंड का पूरा कॉमन लॉ, इंग्लैंड का पूरा कॉमन लॉ है वो किस पर आधारित है, वो भी प्रथाओं पर आधारित है। इंग्लैंड में कॉमन लॉ पढ़ा है ना आपने, कॉमन लॉ, और कॉमन लॉ किस पर आधारित है, प्रथाओं पर आधारित है, रूढ़ियों पर आधारित है, यानी ये रूढ़ियां प्रथाएं क्या बन गई, आगे जाकर के कॉमन लॉ
बना दिया गया, तो पूरा का पूरा इंग्लैंड का जो कानून है वो किस पर आधारित है, प्रथाओं पर आधारित है। ब्रिटेन में कॉमन लॉ और सामान्य जो रूढ़ियां वो प्राय पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। ब्रिटेन में कॉमन लॉ कह दो चाहे वहां रूढ़ियां कह दो, वो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में जाने जाते हैं। हॉलैंड ने रूढ़ी को ऐसी व्यवहारचर्या कहा है। हॉलैंड ने क्या कहा है, हॉलैंड ने रूढ़ी को क्या कहा है, ऐसे व्यवहारचर्या। व्यवहारचर्या का मतलब दिनचर्या कहते हैं ना, दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब क्या, पूरे डेली की रूटीन है। ऐसे ही आदमी की व्यवहारचर्या यानी रोजाना वो क्या कैसा आचरण करता है, कैसा व्यवहार करता है, इसी व्यवहारचर्या को क्या कहा गया, हॉलैंड ने रूढ़ी कहा है। इसको नाम क्या दिया है, रूढ़ी नाम दिया है। और ऐसी व्यवहारचर्या का समाज क्या करता है, सामान्यतः अनुपालन करता है। क्या करता है, सामान्यतः अनुपालन करता है। ऐसा व्यवहारचर्या है, लोग उसका क्या करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, तो वो अनुपालन क्या बन जाता है, रूढ़ी का रूप ग्रहण कर लेता है। किसके अनुसार, हॉलैंड के अनुसार। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप एग्जाम्पल देखें, जैसे एक उदाहरण दिया गया है, ये कहा गया है कि लोगों ने एक दूसरे को देखकर एक रास्ता अपनाया। ये मान लो एक क्या है, पगडंडी जानते हो क्या, पगडंडी, पगडंडी जानते हो क्या, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहां से इसकी दूरी, ये एक रास्ता है, ये क्या है, एक रास्ता है, इसकी दूरी है लगभग 10 किलोमीटर। कितनी, 10 किलोमीटर है। यानी अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आए तो हमें कितना किलोमीटर तय करके आना पड़ेगा, 10 किलोमीटर रन करके आना पड़ेगा। धीरे धीरे किसी एक व्यक्ति ने क्या किया, वो यहां से सीधा यहां पहुंच गया। क्या कर गया, एक दिन एक व्यक्ति ऐसा आया जो सीधा यहां से यहां चलते 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 यहां पहुंच गया। अब ये रास्ता कितना है, 3 किलोमीटर है। ये क्या है, शॉर्टकट है। इसको क्या कहेंगे, शॉर्टकट कहेंगे। यानी एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने पहली बार एक अकेला चल करके ये शॉर्टकट रास्ते से यहाँ पहुंच गया, उसको बड़ा अच्छा लगा यार, 10 किलोमीटर चल के आने से अच्छा है हम ये 3 किलोमीटर का रास्ता ही तय कर दे, जल्दी भी पहुंचेंगे और शॉर्टकट भी है, सबसे बढ़िया भी है। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसको देखा तो एक के पीछे फिर एक चलाया, फिर उसके पीछे कोई दूसरा चलाया, फिर तीसरा चलाया, ऐसे करते 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 यहाँ क्या हो गए, पगडंडी के निशान हो गए। किसके निशान हो गए, पगडंडी। पगडंडी का समझते हो क्या, यानी एक ऐसे पैरों के निशान पड़ जाने। आप अगर कहीं पार्क में जाते हो तो जहां हरी धूप होती है उस धूप पर आप देखते हो कि जहां लोग रोजाना चलते हैं ना, वहां की धूप पर निशान पड़ जाते हैं, धूप खत्म हो जाती है, पैरों के निशान पड़ जाते हैं, वहां एक लाइन सी बन जाती है, उसी लाइन को क्या कहते हैं, पगडंडी कहते हैं। यानी पैरों के निशान पड़ करके एक रास्ता सा बन जाता है। तो यहाँ पैरों से चल रहे थे लोग, रोजाना आते थे, ये धीरे धीरे क्या होगी, पगडंडी बन गई। लोग यहां से आने जाने लगे, लोगों ने इस रास्ते को अपनाया, धीरे 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 करते 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 ये क्या हो गया, ये एक रास्ता बन गया, एक पगडंडी का रूप ग्रहण कर गया। क्या बन गया, पक्का रास्ता बन गया। अब लोग इसको क्या करने लगे, इसको यहां से इसको पालन करते रहे, स्वेच्छा से किया सबने, कोई किसी का एतराज नहीं था। धीरे धीरे ये पगडंडी क्या ले लेती है, मार्गाधिकार। क्या बन जाता है, मार्ग का अधिकार बन जाता है। यानी ये सुखाधिकार बन जाता है। कौन सा अधिकार, सुखाधिकार। इजमेंट तो आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा अभी तक, सुखाधिकार। ये क्या बन जाती है, ये पगडंडी लोगों के द्वारा सामान्य रूप से चलते चलते आचरण करते करते एक दिन ये पगडंडी का रूप ग्रहण कर लेती है। यानी इस जमीन पर रास्ता बन जाता है पैरों के निशान पड़ने से, और ये किसका रूप ले लिया, पगडंडी का। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही क्या होती है, प्रथा होती है या रूढ़ी होती है। भाई शुरुआत तो कोई एक व्यक्ति करता है, धीरे धीरे लोग उसका अनुसरण करते हैं, करते करते लोग उसका पालन करने लग जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब वो कार्य क्या बन जाता है, रूढ़ी या प्रथा का रूप ग्रहण कर लेता है। अब लोगों के द्वारा वो स्वेच्छा से पालन किया जा रहा है, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लोग उसका पालन करते आ रहे हैं, धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार क्या बन जाएगा, रूढ़ी बन जाएगा। तो ये यही तो कहता है कि रूढ़ी क्या है, ऐसी व्यवहारचर्या है जिसका लोग सामान्यतः अनुपालन करते हैं, और उसी को ही हॉलैंड ने क्या कहा है, रूढ़ी कहा है। तो एक तरीके का ये क्या है, ये व्यवहारचर्या, डेली रूटीन में लोग यहां से आते जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा
जो कार्य करते करते लोग उसका अनुपालन करने लग जाते हैं और वो एक दिन क्या बन जाती है, प्रथा या रूढ़ी बन जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, रूढ़ियों का प्रचलन हुआ है। धीरे धीरे रूढ़ियां भी ऐसे ही अस्तित्व में आई है जैसे ये पगडंडी अस्तित्व में आती है, ठीक ऐसे ही रूढ़ियों का भी उत्पत्ति होती है। किसी ने शुरू किया, लोग उसको मानते गए, करते करते वो एक दिन प्रथा बन गई, तो ठीक ऐसे ही प्रथा बन जाती है जैसे ये पगडंडी बनती है। अब देखिए रूढ़ी की परिभाषा, यहां तक कोई दिक्कत? कुछ विद्वान है जिन्होंने रूढ़ी को डिफाइन किया है, इसकी परिभाषा दी है। रूढ़ी की क्या परिभाषा है, रूढ़ी की परिभाषा, रूढ़ी वैसे तो लगभग दुनिया के सभी देशों में प्रचलित है, सब में अलग अलग है, भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न रूपों में, पर पाई सभी जगह पाई जाती है रूढ़ियां। तो रूढ़ी की परिभाषा भी अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार से इसकी परिभाषा दी है। सामंड क्या कहता है, सामंड रूढ़ी को परिभाषित करते हुए ये कहता है कि रूढ़ी ऐसे सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। रूढ़ी क्या है, ऐसे सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। रूढ़ी ऐसे सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है जिन्हें न्याय और लोकोपयोगिता किसको कहते हैं, जो लोगों के लिए उपयोगी है उसको कहते हैं, जो न्याय और लोकोपयोगिता के सिद्धांतों के रूप में, जो न्याय और लोकोपयोगिता के सिद्धांतों के रूप में क्या करता है, सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है, उसको क्या कहा गया है, रूढ़ी या प्रथा कहा गया है। सामंड ये कहता है कि ऐसे सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है, भाई कुछ आचरण कह दो, सिद्धांत कह दो, कोई नॉर्म्स कह दो, कुछ भी कह दो, ऐसे सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है रूढ़ी जिन्हें न्याय और लोकोपयोगिता के सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। भाई ऐसे सिद्धांत है, ऐसे नियम है, ऐसी अभिव्यक्ति है जिनसे लोगों को न्याय होता है, न्याय प्राप्त होता है, लोगों के लिए वो उपयोगी है, ऐसे न्याय और लोकोपयोगी सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत, यानी इससे क्या होता है, राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, लोगों में जागृति आती है, लोगों में चेतना आती है, और इस राष्ट्रीय चेतना के रूप में ऐसी सिद्धांतों को स्वीकार किया गया, इनको सामंड ने क्या कहा है, रूढ़ी कहा है। क्या कहा है, रूढ़ी या प्रथा कहा है ऐसे सिद्धांतों को। तो कुछ सिद्धांत है जिनकी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है, जिनसे न्याय के लिए, लोकोपयोगिता के लिए लोग इसका पालन करते हैं, जो राष्ट्रीय चेतना के रूप में विकसित है, लोग उसको स्वीकार करते हैं, तो ऐसी चेतना, ऐसी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, रूढ़ी या प्रथा कहलाती है। किसके अनुसार, सामंड के अनुसार। आस्तिन क्या कहता है, आस्तिन ये कहता है रूढ़ी को डिफाइन करते हुए कि रूढ़ी आचरण का वह नियम है। क्या कहता है आस्तिन, ये कहता है कि रूढ़ी आचरण का वह नियम है, रूढ़ी आचरण का वह नियम है जिसका अनुपालन तो जरूरी है ना, तो जिसका अनुपालन किस लिए किया जाता है, जिसका अनुपालन शासित वर्ग द्वारा, किसके द्वारा, शासित वर्ग कौन सा होता है, जो शासन करने वाला वर्ग है, शासित वर्ग द्वारा इसलिए नहीं किया जाता कि वह किसी राजनीतिक प्रभुत्व संपन्न द्वारा स्थापित विधि है, शासित वर्ग द्वारा इसलिए नहीं किया जाता कि वह किसी राजनीतिक प्रभुता संपन्न, किसी राजनीतिक प्रभुता संपन्न शक्ति द्वारा स्थापित विधि है, भाई कोई ऐसा आचरण का वो नियम जिसका पालन शासित वर्ग, एक होता है शासक वर्ग, एक होता है शासित वर्ग। शासक वर्ग तो वो होता है जो राजा वगैरह होते हैं, और शासित वर्ग वो जो जनता होती है, जो जिन पर शासन किया जाता है। तो शासित वर्ग केवल इसलिए पालन नहीं करता कि वो किसी राजनीतिक प्रभुता संपन्न द्वारा स्थापित विधि है, केवल जैसे कानून है, कानून हम क्यों पालन करते हैं, कानून का पालन इसलिए करते हैं कि वो राज्य के द्वारा बनाई गई विधि है, उसका पालन हमें करना पड़ेगा, लेकिन उसका तो पालन करना हमारी पूरे कानून का, तो लेकिन कहता है कि ये रूढ़ी आचरण का वह नियम है
जिसका शासित वर्ग इसलिए पालन नहीं करता कि वो राजनीतिक प्रभुता संघ द्वारा स्थापित विधि है, बल्कि इसलिए करता है वह अपनी स्वेच्छा से उसका अनुसरण करता है। किसके द्वारा? स्वेच्छा से इसका अनुसरण करता है। तो स्वेच्छा से अनुसरण करता है तो ऐसा आचरण का ये नियम है वो क्या बन जाएगा? रूढ़ि का रूप ग्रहण कर लेगा। तो अपनी मर्जी से अपना रहे हैं हम, अपनी स्वेच्छा से उसका अनुसरण कर रहे हैं, केवल हम इस कारण से नहीं करते कि वो शासित वर्ग के द्वारा स्थापित किसी राजनीतिक प्रभुता संपन्न द्वारा स्थापित विधि इसलिए हम उसका पालन कर रहे हैं, बल्कि हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हम उसका स्वेच्छा से पालन करें, स्वेच्छा से अनुसरण करें। तो जिस चीज का हम स्वेच्छा से अनुसरण करेंगे वो क्या बन जाती है? वो नियम, वो व्यवहार का नियम क्या बन जाता है? रूढ़ि या प्रथा कहलाता है। किसके अनुसार? ऑस्टिन के अनुसार। ठीक है, अब देखिए रूढ़ि की उत्पत्ति तीन परिभाषा दे देना, सामंत और ऑस्टिन पर्याप्त है, तीन परिभाषा लिखाते हो तो बहुत है। रूढ़ि की उत्पत्ति कैसे होती है? रूढ़ि उत्पत्ति, रूढ़ि की उत्पत्ति कैसे होती है? अब आप बताओ बेरूढ़ि की उत्पत्ति कैसे होती है? रूढ़ि की उत्पत्ति हमने सब जगह देखा है कि भाई ये व्यवहार चर्या है, हर जगह मन आचरण है, आचरण का वो नियम है, यानी ये किससे होगी है? ये मानव के आचरण होती है, मानव के व्यवहार से रूढ़ि की उत्पत्ति होती है। मानव व्यवहार ऐसा करेगा और जिसका अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं तो एक दिन ये मानव व्यवहार क्या बन जाता है? रूढ़ि का रूप ग्रहण कर लेता है या प्रथा बन जाता है। मानव व्यवहार क्या होना चाहिए? अनुपालन होना चाहिए या अनुसरण होना चाहिए, और अनुसरण भी कैसे होना चाहिए? स्वेच्छा से होना चाहिए, स्वेच्छा से। अगर ऐसा कोई मानव व्यवहार, मानव आचरण है जिसका स्वेच्छा से अनुपालन किया जाता है तो एक दिन वह क्या बन जाता है? रूढ़ि या प्रथा बन जाता है। रूढ़ि की उत्पत्ति किसे होती है? मानव व्यवहार से रूढ़ि की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अब रूढ़ि के प्रकार, रूढ़ि के प्रकार भी, रूढ़ि के कोई प्रकार भी है क्या? ठीक है, तो रूढ़ि के प्रकार अपन कल देखेंगे, यहां तक कोई डाउट है तो आप बोलो, कल रूढ़ि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।